बाप रे। मम्मी जी, गुरिंदर इत की प्लान है तेरा? प्लान? कैसा प्लान प्रजाय जी? अरे दिवाली की तैयारी की, तेरे भी तो मेहमान आ रहे होंगे। हाँ। तू भी तो हेल्प करवाएगी कि नहीं? नहीं ताई जी, मम्मी जी को रहने दीजिए। वैसे भी मैंने सारे मेहमानों को कॉल करके बुला लिया और डेकोरेटर्स भी बस आने ही वाले होंगे। प्रजाय जी, जब इसने सारा काम कर ही लिया है तो मेरे लिए तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। और वैसे भी आप ही ने कहा था ना कि दिवाली के सारे कामों की जिम्मेदारी इसकी है, तो बस। हाँ तो याद है तेनू कि मैंने ऐसे कहा था? याद नहीं है? मैंने भी कहा था कि इसकी हेल्प करनी है, परी प्रेग्नेंट है, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना इसकी मदद करने का। नहीं ताई जी, मैं कर लूं। रहने दे परी, पहले आग भी खुद ही लगाओ और फिर उसे बुझाने का नाटक भी करो। चाहे कुछ भी हो जाएगा, है बगाए, बस ताने मुझे को सुनने पड़ते हैं। मम्मी जी, छड़ उसे, उसकी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। तो दस मैनू पटाखे मंगाए कि नहीं? बच्चे आएंगे ना? चल अच्छा है, ला दिखा तेरी लिस्ट। बहन जी, आपको परी के बारे में पहले से सोचना चाहिए था। यकीन मानो बहन जी, मेरे से ज्यादा दुख किसी को नहीं इस बात का। मैनू लग रहा है कि मैनू ना उसे इस घर में व्याह के लाना ही नहीं चाहिए था, अपने पुत्र से उसकी शादी करानी नहीं चाहिए थी। जितनी भोली वो शक्ल से लगती है ना, उतनी है नहीं। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और सच कहूं तो इसमें आपकी गलती है। इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी गलती ये है कि आपने परी को कभी दिखाया ही नहीं कि सास क्या होती है। इसलिए आप सास बनो सास। जिस तरह परी ने आपको साइड करके परमिंदर बहन जी के मन में अपनी जगह बना ली है ना, वो तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए कम से कम आपको ये दिखाना होगा परी को कि असली सास क्या चीज होती है, तभी तो वो आपसे डरेगी। उसके मन में आपके लिए डर बैठेगा, इज्जत करेगी तब वो आपकी। वैसे भी उस परी ने बहुत दुख दिए हैं आपको, मुझे और मेरी नीति को। सही कह रहे हो, मुझे उसको दिखाना ही पड़ेगा कि असली सास क्या होती है, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं बहन जी, आप अपने आप को ऐसे परी की सास मत बोलो, वरना ये सुनके तो ऐसा लग रहा है कि मेरी नीति दूसरी औरत है। आप ये बोलो कि आप परी को सीधा कर दोगी। इस परी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है ताऊ जी, जी किस चीज की प्लानिंग चल रही है, इतना हंस रहे हो? अरे मुझे तो बताओ एटलीस्ट। ताई जी, मेन दरवाजे के लिए ना गेंदे के फूल और आम के पत्ते चाहिए। मम्मी जी कहती है अगर इससे डेकोरेशन करो ना तो घर पे पॉजिटिविटी आती है और घर से नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। तेनु पता है, इसीलिए तो मैंने सारी जिम्मेदारी तुझे दी। ताई जी, आपको पता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं? नहीं मतलब ये दोनों हंस रहे हैं, कोई तो सीक्रेट है जो मुझे नहीं बता रहे। क्या आपको पता? बच्चों जैसी कंप्लेन क्यों कर रहा है, खुद ही पूछ लेना। आप पूछा मैंने, बट बता ही नहीं रहे तो मैंने आपसे पूछा। क्या बात है भाई, ऐसी चुप्पी सी क्यों छाई हुई है? मेरा मतलब सारे लोग हैं और कोई बात भी नहीं कर रहा, गल की है? मैंने कहा जी नहीं। नहीं? ना ना पम्मी, ना मत बोल, प्लीज। मैंने तो ना बोल दिया है। इस घर में ये सब नहीं होगा। आप और अमित मिलकर ये सब नहीं कर सकते। पर हुआ क्या है ताई जी? अमित, अब तू ही अपनी ताई नाल गल कर। कर। ताऊ जी, अगर आपने मुझे टाइमली बता दिया होता ना कि आप किस चीज की परमिशन मांग रहे हो, तो मैं ताई जी के पैर पकड़ के ना परमिशन ले लेता, बट आपने मुझे बताया नहीं तो मेरा लॉस नहीं। पुत्र, कोई बड़ी गल नहीं है, दिवाली है ना, ये दोनों जुआ खेलना चाहते हैं। और मैंने कहा ना। पमी, तो समझा कर, दिवाली के दिन जुआ खेलना शगुन होता है। मैं नहीं मानती। ये क्या बात हुई, तो बाकी सब त्योहारे पूरे रस्मों के साथ मनाती है, तो इसमें फिर क्या बात होगी? देखिए जी, आप बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो बच्चों को क्या सीख देंगे? तू आजा।
हाँ जी ताऊ जी, मुझे भी जुआ खेलना है। अरी से फुर्सत मिली तभी तो जुए के बारे में सोच रहा है, पर टीवी की जरा से भी परवाह नहीं है। बेडरूम में तो बड़ी बड़ी बातें करवा लो और यहाँ मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। आई नो नीति, तुम क्या सोच रही हो? यही ना कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, पर तुम्हें पता नहीं है नीति, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। और हाँ, यहाँ पर सारे फूल लगने चाहिए। इस संजू की सोच में डूबा हुआ है। सच में बहुत सुंदर है संजू, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझ पे क्या सूट करेगा और क्या नहीं। हाउ स्वीट, आई लव यू। हुआ कुछ चुप गया नीति? हाँ, मुझे तो लगा था कि दुपट्टा बहुत सॉफ्ट है, पर फिर भी चुप गया और बहुत जोर से चुपा है। नीति प्लीज, ये दुपट्टा ना मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और तुम्हें तो कलर पसंद है ना, तुम एक बार पहन के देखो, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे कर रहे हो तुम ये संजू? अजीब नहीं लगता तुम्हें ये सब कुछ बोलते हुए? परी को, मुझे, दोनों को ये बताते हुए कि दिवाली पर क्या पहनना चाहिए? ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। स्पेशली तो परी के लिए भी लेकर आए हो, और उसे मुझसे पहले दे दिया। देखा मैंने तुम्हें उसको दुपट्टा उड़ाते हुए। जब तुमने देख ही लिया था तो मुझसे पूछ लेती उसी टाइम। गलत समझ रही थी, मैं बस परी की हेल्प कर रहा था, नथिंग एल्स। झूठ, कितना झूठ बोलोगे संजू? तुम जैसा झूठा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। नीति प्लीज, तो प्लीज समझने की कोशिश करो, ये दुपट्टा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया। मुझे तुम्हारी लाई हुई कोई चीज नहीं चाहिए, इसे जाकर ना परी को ही पहना दो। थैंक्स फॉर द एडवाइस। तुम सच में जा रहे हो? बेवकूफों जैसी बातें मत करो नीति, रूम से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूँ क्या नहीं। हर छोटी चीज में, हर चीज में प्रॉब्लम है। कुछ भी चीज समझने को तैयार नहीं, कुछ भी सुनने को तैयार। क्या हुआ काके? आपको पता है ना नीति, एक भी बात समझने को तैयार नहीं होती, कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। क्या मतलब? जी आपको पता है ना, वो हर बात को परी से रिलेट करती है। इस बार भी परी की तरफ मोड़ दी बात, कहती कि परी के रूम में जाओ और उसकी दिवाली ड्रेस फाइनल करो। ये कोई बात हुई? देख, इसमें ना सारी गलती नीति की नहीं है, और वक्त के साथ इंसान बदल जाता है ना। कितना बदलेगा, हर चीज में गुस्सा, हर चीज में कुछ 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 समझना ही नहीं उसको। मुझे ये लगता है कि तेरी जिंदगी में ना प्रॉब्लम आने वाली है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो उसको ना फेस करने के लिए तैयार हो जा। वो आदमी कौन है जिसे आपने हायर किया है परी को मारने के लिए? क्यों, क्या हुआ इतनी रात को अचानक से? अचानक कुछ नहीं हुआ है बेबे, अचानक कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ना बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है जो संजू कर रहा है? दो बीवियां हैं उसकी, और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बीवियां उसे एक ही छत के नीचे चाहिए। अब क्या कर दिया संजू ने? परी फे कर रहे हैं महाराज, परी की। उसके कमरे में जाके उसे बता रहा है कि कौन सा दुपट्टा उस पर अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं। हद पार कर दिया उसने, और तो और आपको पता है मेरे लिए भी ड्रेस लेकर आया। चाहता क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और बर्दाश्त करने की ना वे बेहद होती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे दिल का जो हाल है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, और इस दिल को तभी सुकून मिलेगा जब परी यहाँ से चली जाएगी। तू चिंता मत कर, बस सिर्फ
आज भी बात है, कल सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेबे, एक एक दिन ना एक एक साल के बराबर गुजर रहा है यहाँ पर। कौन है वो आदमी, क्या नाम है उसका, कब आएगा वो? टाइगर है, कल आएगा। उसे फोन करो और अभी बुलाओ, मुझे मिलना है उसे। तो पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी की अभी टाइगर से मिलना है बेबे। मैं नहीं चाहती कि इस बार भी वो गड़बड़ हो जो रघु और शंभू ने की थी। मुझे मिलना है अभी, फोन कीजिए उसे प्लीज। एक बार और सोच ले, बहुत रात हो गई है। बेबे जो मैं कह रही हूँ करो ना प्लीज। सुना है लोग कोमा में भी आवाज सुन लेते हैं। मम्मी जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? पता है मम्मी जी, ये पहली ऐसी दिवाली होगी जहां मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये दिवाली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। प्लीज होश में आ जाइए ना मम्मी जी, प्लीज। बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको। ऐसे कैसे देख रहा है? हाँ हम ही है, हमने इधर को बुलाया कॉल करके। लेकिन ये इधर आओ तू पागल लड़के। अरे अरे यहाँ पर गेट के सामने क्यों खड़ा हो गया है? तेरे को क्या लगा कि हम लोग एक आरती की थाली लेकर आएंगे और तेरी आरती उतारेंगे? क्या आइए पंडित जी और गृह प्रवेश करिए। तेरे को पता है ना तू क्या काम के लिए आया है? तेरे को छुप के खड़ा होना चाहिए ना, किसी ने देख लिया तो। मेरे को क्या मालूम, मैं तो इधर पहली बार आया, मेरे को क्या पता इधर क्या है क्या नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुद्दे की बात करते। नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ, चुप जा चुप जा। ये जो अभी लड़की निकली है ना यहाँ से, उसे कल दुनिया से मुक्ति देनी है। लड़की को तो देख लिया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वैसे इन्होंने मुझे बता दिया था कि लड़की को ऐसे मारना है कि लड़की को प्लान करके मारा गया। ऐसा लगना चाहिए कि घर में डाका डाला और बस लड़की उसमें मर गई। मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि भरोसा हो जाए कि तुम ये काम कर पाओगे या नहीं। अच्छा आज से पहले ऐसे कौन से काम कर चुके हो तुम? मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, कहा ना तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। चिंता मत कीजिए मैम, काम हो जाएगा। वैसे भी इतना कांड करके रखा है ना, आपको बताने जाऊंगा तो परेशान हो जाओगे। वो क्या है ना, अपने एक असूल है, ज्यादा अपने बारे में किसी को बताता नहीं। वो क्या है ना, आज तुम दोस्त है कल दुश्मन, तुम तो पुलिस सामने अपना सारा काला चिट्ठा खोल दोगी। अपन ज्यादा अपने बारे में किसी से बात नहीं करता है, सिर्फ पैसा लेना और काम करना बस। अभी चलता हूँ, कल आके आपसे मिलता हूँ, अब काम हो जाएगा। हैप्पी दिवाली। कल दिवाली है पेपे, रोशनी की रात, और रोशनी मेरे हिस्से आएगी, क्योंकि संजू की बीवी मैं हूं, वो परी नहीं। ये ले डोरी। परी दीदी डोरी, ये तो बहुत सोनी चुन्नी है। इतनी अच्छी कारीगरी की है ना तुम्हारे बाबा ने कि क्या बताओ। मर्सी, विदेशी भाषा में मर्सी का मतलब थैंक यू। मेरे एक हत्ता बुनकर बाबा श्री गंगा प्रसाद जी का है ये कमाल, मैं उनको जरूर बताऊंगी, आपकी बात सुनकर वो बहुत खुश होंगे। मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं, तुम्हारे नखरे भी उठाते हैं और तुम्हें कचोरियां भी खिलाते हैं, है ना डोरी? अपने बाबा का हमेशा ऐसे ही साथ है। हाँ बिल्कुल दूंगी, क्योंकि पापा डोरी वैसे है जैसे जलेबी और कचोरी। अरे वाह बिल्कुल। तुम्हें पता है डोरी, हर बाबा के लिए उनकी बेटी एक वरदान होती है। पता है दीदी, केवल आप हो जिसने ऐसा कहा है। वरना तो यहाँ तो सब मेरे बाबा को बोलते हैं कि लड़की नहीं लड़का होना चाहिए था। डोरी
लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच क्या है, और सही सोच से गलत इंसान को भी सही कर सकते हैं। मैं इस घर से नहीं गई इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। अब ऐसे भी तू अब मेरी दोस्त नहीं है, तो चाहे तू मेरे सामने भी आ जाए, तेरी कोई वैल्यू नहीं है मेरी नजरों में। दीदी बिल्कुल सही कहा, बस आज ही आ रही हूँ मैं आपसे मिलने। बिल्कुल, तुम ना सच में बहुत प्यारी हो, जल्दी आ जाओ। वीर जी सुनिए, घर के लिए 100 मिठाई के बॉक्स बनेंगे और 1001 बॉक्स अलग से बना देना। इतने सारे बॉक्सेस का क्या करेगी? मन्नत मांगी थी संजू और नीति के लिए, 1001 मिठाई के बॉक्स डोनेट करूंगी। अब देखना उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तू यहाँ से चली जाएगी। तो परी, ये हो या पुत्र? कुछ नहीं ताई जी, वो बेबे ये पूछ रही थी कि मिठाई के डब्बे टाइम से तैयार तो हो जाएंगे ना, मन्नत पूरी हुई है तो दान जल्दी कर देना चाहिए। हाँ हाँ, मैं बस गेट के पास ही आ रही हूँ, एक सेकेंड। चंद्रिका एक मिनट। हाँ हाय रब्बा, इन्होंने तो एंट्रेंस डेकोरेट ही नहीं किया। सबसे पहले एंट्रेंस डेकोरेट करना चाहिए, सबसे लास्ट में करते हैं। लाओ परी, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तुम कुछ और कर लो ना, मैं ये कर लूंगी। मैं तो यही करूंगा परी, तुम बस ध्यान रखना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही से कर रहा हूँ कि नहीं। मैं सच में कर लूंगी। तो परीश यहाँ लगाऊं? आराम से। वैसे परी, तेनु इस घर में काम देने के बहुत फायदे है। कम से कम ये नलायक घर के कामों में हाथ तो बटा रहा है, वरना तो ये यहाँ सालों से दिवाली की डेकोरेशन करती आ रही हूँ। बस डेकोरेटर आता है लेकिन घर का कोई आदमी इन सब चीजों में हेल्प नहीं करता। बिल्कुल सही कहा, ये बात तो है दी। घर के लोग, घर की बातें, ऐसा लगता है मैं इस घर की हूँ ही नहीं। ताई जी आप कुछ काम बता रहे थे? हाँ, तो चल मेरे नाल। ध्यान से करना। बहुत अच्छा लग रहा है ना एक दूसरे के साथ? Enjoying? नहीं, वो मुझे इसी ने कहा कि जब भी कोई बात हो तो प्लीज बोल दिया करूं, मैं दिल में ना रखा करूं। इसे लगता है कि मैं हर चीज पे ओवररिएक्ट करती रहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जब तुम दोनों इतने खुश हो एक दूसरे के साथ तो मुझे दुखी होके क्या मिलेगा, है ना? इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम दोनों को किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगी। इसलिए जो तुम्हारे मन में आए करो, जितनी बेशर्मी करनी है करते रहो खुलेआम। से भाई दवे बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में, परफेक्ट कपल। नीति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसके पास। इससे बात करने कोई फायदा नहीं है, ये ना तो कुछ सुनने को तैयार है ना कुछ समझने को। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जाती हूँ। नीति, नीति सुन तो। सॉरी, कब मेरा पीछा छोड़ेगी यार? थक गई हूँ मैं तुझसे, और मना किया है ना मेरा नाम मत लिया कर, क्यों लेती है? इरिटेशन होती है मुझे तुझसे। चाहती क्या है तू? जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। नीति संभाल अपने आप को, ये सब तू क्या बोल रही है? मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, तुझे जो कहना है तो मुझे कह दे, लेकिन प्लीज ऐसे मत बिहेव कर। दूर हट, मुझे ना तेरी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नीति मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यार, इसलिए तेरी हर बात सुन रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे धक्का मत दे। मैं नहीं चाहती कि तेरी अमानत जो मेरी कोख में उसे कुछ भी हो जाए। तुझे जितना गुस्सा करना है तो मुझ पे कर ले, लेकिन प्लीज धक्का मत दे। नीति, अरे यार तू मेरे पीछे आई क्यों है? जा ना, संजू के साथ ही रह, उससे बातें कर। परमिशन दे दी है ना मैंने तुम दोनों को?
आप दोनों को बात करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है नीति, क्योंकि मेरे और उनके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा तू सोच रही है। मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुझसे। वो मुझसे प्यार करता है या नफरत, इस बात से तू जितना दूर रहेगी ना उतना बेटर होगा। ये मेरे और उसके बीच की बात है, समझी? कैसे समझाऊं नीति को, जो वो समझ रही है गलत समझ रही है। राजीव सिर्फ नीति से प्यार करते हैं और मेरा ख्याल सिर्फ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दोनों की अमानत मेरी कोख में है।